लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। 500 साल पुराने मलबे के ढेर पर ऐसी शानदार हरियाली इंसान की महत्वाकांक्षा का अनूठा नमूना है। मिस्र की राजधानी काहिरा के सूखे रेगिस्तान को हरे भरे पार्क में बदलने का कमाल कर दिखाया है। मिस्र की राजधानी में 500 साल पुराने मलबे के ढेर पर अब शानदार हरियाली है। काहिरा के ठीक बीचों बीच बना हुआ है अल अजहर पार्क। काहिरा अफ्रीका का सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहाँ की आबादी 2,30,00,000 है। इस साल इसमें 5,00,000 लोग और जुड़ेंगे। चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरे शहर के लोग हरियाली का हर कतरा इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। 1984 में आगा खान ने काहिरा के बीच में पार्क बनाने की इच्छा जताई। 35 हेक्टेयर में फैले 500 साल पुराने मलबे से भरे कम आमदनी वाले दरबल अहमार को इसके लिए चुन लिया गया। तब तक ये इलाका शहर की उपेक्षा ही झेलता आया था। ऐतिहासिक ओल्ड सिटी के पास 1996 में काम शुरू हुआ। अगले 5 साल में यहाँ से 80,000 ट्रक मलबा निकाला गया और 3 विशालकाय ताजे पानी के टैंक पार्क के अंदर बनाए गए ताकि पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके। 20 साल के बाद आखिरकार 2004 में इस पार्क के बनने का काम पूरा हुआ। 2005 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। पार्क को बनाने में करीब 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च आया जो आगा खान ने दिया। फिलहाल ये जमीन स्थानीय सरकार की है, लेकिन आगा खान ट्रस्ट ने इसे 25 साल तक चलाने का जिम्मा लिया है जिससे कि इसे अच्छी जिंदगी मिल सके।